ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्नेहा विद यू एंड इट्स योर गर्ल स्नेहा हियर। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से वापस आ गई हूँ अपने वीडियो में एक नए अनोखे हेयर ट्यूटोरियल के साथ। ये अनोखा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे खुद बनाई है। खुद बनाई इन द सेंस मैंने इसे खुद एक्सपेरिमेंट करके इस हेयर ट्यूटोरियल को क्रिएट किया है। ये इट्स एक्चुअली अ हेयर बन, इट इज एक्चुअली अ ब्राइडल हेयर बन। एंड सो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं कुछ भी चीज़ खुद बनाती हूँ बिना किसी से सीखे। सो आज मैं वही हेयर ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी अपने बालों में बना के। सो लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। वेल, तो इस नायाब हेयर ट्यूटोरियल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कॉम्ब, उसके बाद हमें चाहिए एक रबर बैंड, उसके बाद हमें चाहिए कुछ ऐसे क्लिप्स। आप मेरे पास ये क्लिप्स है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे क्लिप्स नहीं है तो आप यू नो बॉबी पिंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक से दिखा देती हूँ एक बार। यस, दिस काइंड ऑफ बॉबी पिंस, एक गिर भी गई। एंड और जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारे इस हेयर ट्यूटोरियल के लिए, दिस यू पिंस। सो बस इतना ही सब कुछ चाहिए हमारे हेयर ट्यूटोरियल को बनाने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने हेयर को अच्छे से ब्रश कर लूंगी, कॉम कर लूंगी। मैं कॉम यूज कर रही हूँ, आप हेयर ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने पहले से अपने बालों को ब्रश करके रखी हुई थी एंड फिर से मैंने एक बार इसे अच्छे से कॉम कर लिया है। एंड इसे अब मैं एक पॉनी टेल बनाऊंगी इसकी। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में एक ऐसी पॉनी टेल, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैंने ऐसे पॉनी टेल बांध लिए हैं। एंड मेरे सामने अभी कोई पोफ वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं इसे सब बनाऊंगी, सब मैं आपको सिखाऊंगी कैसे पोनी टेल ऐसे बनाने के बाद पोफ क्रिएट करते करना है सामने, मैं सब बताऊंगी। ओके, तो पहले हम बन बनाना देख लेते हैं। तो ये है मेरी पोनी टेल, मैंने इसे ऐसे बांध दिया है। अब इसे ऐसे बीच में से मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या करना है। इसकी मैं एक इजी स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे एक बॉबी पिन लेनी है, इसे उल्टा करके ऐसे पकड़ना है। परफेक्ट डिवीजन के लिए मैं ये बोल रही हूँ, ऐसे उल्टा करके पकड़ना है एंड ऐसे ठीक बीच में से, ऐसे रबर बैंड के नीचे से ऐसे बीच में से इसे ऐसे करके घुसा देना है ऐसे। ऐसे करके घुसा देना है एंड यस, अभी आप देख सकते हैं मैंने बीच में से एक डिवीजन क्रिएट कर लिया है अपने बालों में ऐसे। तो मैं अभी इसे डिवाइड कर लूंगी। ओके, तो एज यू कैन सी मैंने जैसा आप लोगों को दिखाई, मैंने ऐसे अपने बालों के दो पार्टीशंस कर दिए हैं एकदम ऐसे, देखिए दो पार्टीशंस मैंने कर लिए हैं। अब क्या करना है, ये टॉप के जो पार्टीशंस है ये ऊपर वाले इसे हम फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे आप लोग जरा इसे ध्यान से देखिए कैसे फोल्ड करना है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऐसे बना लिया है एक नॉट टाइप की, अब मैं इसे अपने जो यू पिंस है उसके मदद से इसे यहाँ पे सिक्योर कर लूंगी ताकि ये अपनी जगह से हिले ना।
के लिए दो बंस मेरे काफी हैं इसे कवर करने के लिए, सॉरी दो यूपिंस काफी है इसे कवर करने के लिए, इसे सिक्योर करने के लिए, तो मैंने वो कर लिया है। एंड अभी मैं नीचे के हिस्से को बांधना दिखाऊंगी। हम सेम प्रोसेस से नीचे के हिस्से को भी बांधेंगे जैसे कि मैंने ऊपर के पोर्शन के साथ किया है। ऐसे इसे पकड़ना है, इसके नीचे में अपने लेफ्ट हैंड के, आप जिस भी हैंड में कंफर्टेबल हो, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड में करके दिखा रही हूँ, लेफ्ट हैंड के ऐसे बैक पोर्शन को लगा के इसे पूरी तरह अपने हाथों के पंजे में लपेट के ऐसे मुड़वा लेना है। इसे हम ऐसे रोल कर लेंगे। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है अपने बालों का, ये टिप को मैं ऐसे घुमा दू, इसे घुमाया ऐसे एंड किया डन। एंड इसके बाद हम इसे ठीक वैसे ही ऐसे अब हम इसे भी सिक्योर कर लेंगे यू पिन के मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये हो गई है। एंड अभी मैं इसे थोड़ी फाइनल टचेस दूंगी। मेरे जो भी पोर्शन बालों के ऐसे निकले हुए हैं उसे मैं अंदर डाल के, ऐसे आपके बालों के जो भी लेयर्स होते हैं या कुछ भी बैंग्स वगैरह, उसे हम ऐसे अंदर हाइड कर लेंगे। एंड इसे मैं और थोड़ी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए इसे हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अभी भी हमारी काम पूरी खत्म नहीं है हुई है। अभी हमारे सामने के पोर्शन में थोड़ी काम बाकी है, आई मीन टू से हमें पूफ क्रिएट करना है सामने। एंड अभी आप देखेंगे कि मैंने पूरे अपने जो पीछे वाली बन थी वो जो पूरी हेयर स्टाइल है ये ट्यूटोरियल मैंने खत्म कर लिए है। एंड अब मैं सामने पूफ क्रिएट करूंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ अपने हाथों के मदद से ऐसे पहले आप बंस को ऐसे ठीक से पकड़ लीजिए ताकि वो खुल ना जाए। एंड उसके बाद मैं सामने की तरफ धीरे धीरे अपने हेयर्स को पुल करूंगी ऐसे ऐसे साइड में भी थोड़ी करूंगी ताकि फेस थोड़ी बोल्ड लगे, थोड़ी ब्राउ और मतलब बड़ी लगे। फ्रेंड्स इसे प्लीज काइंडली धीरे धीरे करना, जल्दबाजी नहीं करना क्योंकि जल्दबाजी में ये काम बिगड़ सकती है। तो यस, जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत धीरे धीरे केयरफुली अपने बैंग्स को, सॉरी बैंग्स नहीं, अपने बालों को सामने की तरफ ला रही हूँ। एंड यस अभी आप देख सकते हैं मेरी लुक ऑलमोस्ट चेंज हो गई है इसे सामने लाने की वजह से। मेरे हेयर में मतलब मेरे बालों में एक पुफ क्रिएट हो गया है मेरे सर के ऊपर। एंड अभी इस पुफ को सिक्योर करने के लिए मैं जो आप लोगों को दिखाई थी ऐसी क्लिप, आप कोई भी क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, मैं इस क्लिप के जगह आपको बॉबी पिन से ही दिखा देती हूँ क्योंकि आई थिंक ये क्लिप्स शायद सबके पास नहीं होंगे अवेलेबल। तो बॉबी पिन से क्या करना है, ऐसे बॉबी पिन को पकड़ना है, ऐसे लेना है। एंड इसे लेने के बाद जहाँ पे मैंने मेनली अपनी पूफ क्रिएट की थी ऐसे मतलब मिडिल में, वहां से मैं ऐसे
को अंदर डाल दूंगी, हाँ, ताकि मेरी पुफ बनी रहे। यहाँ से और इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए, एंड दिस। सो मैंने क्रिस क्रॉस तरीके से क्लिप को लगा लिया है, एंड इससे क्या होगी, पूरी दिन मेरी पुफ ऐसे ही परफेक्टली बनी रहेगी। मुझे इसके लिए दोबारा अपने बालों को खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम इंटैक्ट बनी रहेगी। ओके, तो अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने के पहले ही बता दी थी कि ये एक ब्राइडल हेयर ट्यूटोरियल है, तो फूलों के बगैर ब्राइडल लुक कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखी हुई हूँ अपने बंस बन में लगाने के लिए। तो चलिए मैं इसे लगा करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इसे हम साइड से लगाएंगे, ऐसे जो हमारे बन है इसे हम ऐसे इस साइड में, मैं इस साइड में लगा रही हूँ, आप किसी भी साइड, मतलब इस साइड या इस साइड भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे आर्टिफिशियल फ्लावर के इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बड़ा चाहे तो बड़ा लगा सकते हैं, कोई और कलर का अपने ड्रेस कलर के साथ मैच करके लगाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। वेल, तो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई ब्राइडल हेयर ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यस, सो दिस इज इट। वेल फ्रेंड्स, सो दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने इस वीडियो को, इस हेयर ट्यूटोरियल को एंजॉय की होगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल मुझसे जुड़े रहने के लिए। अगर आप लोगों को मुझे आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे चैनल से प्यार करते हैं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि मेरी ये ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसी लगी है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मेरे बारे में कोई भी कंप्लेन हो, प्यार जताना हो मुझ पे, कुछ भी करना हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। कुछ भी बताना हो आप लोगों को, कुछ भी जानना हो मेरे बारे में, कोई एडवाइस हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड यस, मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग चीज के साथ। टिल देन बी हैप्पी।